बेटे विक्रमादित्य की तरह पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के भी नरम पड़े सुक्खू सरकार के प्रति तेवर। सप्ताह भर पहले पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने से साफ इनकार कर चुकी सांसद प्रतिभा सिंह के अनुसार हाईकमान लेगा अंतिम फैसला। चंडीगढ़ में हुई हिमाचल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद पीसीसी प्रेसिडेंट के रुख में आया बदलाव। तालमेल समिति की बैठक में सीएम सुक्खू ने कही थी इलेक्शन गारंटी पूरी करने के लिए लगातार कोशिशों की बात। कांग्रेस विधायकों की बगावत के अगले ही दिन त्याग पत्र देने वाले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने शाम होते होते बदल लिया था अपना फैसला। वर्तमान में प्रतिभा सिंह तथा उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के खेमे में खुलकर खड़ा नजर नहीं आ रहा है कोई भी विधायक। बीजेपी द्वारा मंडी से कांगड़ा रणौत का मैदान में उतारे जाने पर कहा वह पूर्व सीएम जयराम ठाकुर अथवा महेश्वर सिंह को मानकर चले थे प्रत्याशी। विक्रमादित्य द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के बाद प्रतिभा सिंह ने भी उठाया था उनके पति एवं दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह की रीत पर प्रतिमा न लगने का मुद्दा। क्या प्रतिभा सिंह मान गई है अभी चुनाव लड़ने के लिए कि अभी कुछ बात है बाकी? देखिए, मेरे सामने कुछ डिफिकल्टीज थी। मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी कहा है कि जब मैं चुनाव के दौरान पहले भी एक डेढ़ साल से हर क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो कुछ बातें वर्कर्स ने भी कही, कुछ लोगों ने भी कही, तो इसलिए मैं ये सोच ही रही थी कि इस परिस्थिति में मैं चुनाव में उतरूं कि नहीं, इस बात का बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैंने वो सारी स्थिति कल हमारे प्रभारी के सामने रखी। अभी भी देखिए, अभी भी मैंने ये अपना गेंद हाई कमांड के फील्ड में रखा है। अब वो क्या तय करते हैं, क्या इस पर फैसला करते हैं, वो जल्द हमारे को अपना फैसला सुनाएंगे। हमारी एक बैठक अभी 4-5 तारीख को फिर दिल्ली में होनी है जिसमें हम शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा। और हम, आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं। लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है सर, और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे ये चंडू खाने की खबरें हैं, इनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या, मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी थी वो की, करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना। मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, एक साल के अंदर 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको, उसके लिए, उसको, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। लोकसभा चुनाव न लड़ने तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के प्रति प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के तेवर आज पहले की वजह नरम व बदले हुए नजर आए। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि इस बारे अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा और मंडी से मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन लड़ने को लेकर उनकी कुछ निजी समस्याएं थी और चंडीगढ़ में हुई हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में इस बारे चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी
सभी इलेक्शन गारंटी पूरी किए जाने की लगातार प्रयास होने की बात कही है। गौरतलब है कि इससे पहले 20 मार्च को पीसीसी अध्यक्ष ने मंडी से इलेक्शन लड़ने से साफ साफ मना किया था और मीडिया से बातचीत में इसका कारण उन्होंने कार्यकर्ताओं की हताशा अथवा अनदेखी को बताया था। प्रतिभा सिंह द्वारा इससे पहले भी कई बार उनकी अपनी ही सरकार में पार्टी वर्कर की अनदेखी होने संबंधी बयान जारी कर चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले गत 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की बगावत के अगले ही दिन प्रतिभा सिंह के पुत्र एवं हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने भी त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि पार्टी पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद शाम को उन्होंने अपना ये फैसला बदल लिया था। विक्रमादित्य ने उस दौरान 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे उनके दिवंगत पिता वीरभद्र सिंह की शिमला के रिज मैदान पर प्रतिमा न लगाए जाने का मुद्दा उठाया था और उनकी माताजी ने भी बाद में इस बात का समर्थन किया था। 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार कही जाने वाली प्रतिभा सिंह अथवा उनके बेटे के खेमे में वर्तमान में कांग्रेस का कोई भी मौजूदा विधायक खुलकर खड़ा नजर नहीं आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के आला भाजपा नेता भी इस परिवार को सम्मान देने की बात करना छोड़ चुके हैं। बहरहाल सप्ताह भर पहले कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने से इनकार कर चुकी पीसीसी अध्यक्ष के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं और उनके मुताबिक हाईकमांड अब इस बारे अंतिम फैसला लेगा। भाजपा द्वारा मंडी से बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत को मैदान में उतारे जाने को लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्हें व भाजपा कार्यकर्ताओं को इस सीट से पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व महेश्वर सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को चुनाव में उतारे जाने की उम्मीद थी। प्रतिभा सिंह जो है आला कमान की पहली पसंद है मंडी से, तो क्या प्रतिभा सिंह मान गए या अभी चुनाव लड़ने के लिए कि अभी कुछ बात है बाकी? देखिए, मेरे सामने कुछ डिफिकल्टीज थी। मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी कहा है कि जब मैं चुनाव के दौरान पहले भी 1-1.5 साल से हर क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो कुछ बातें वर्कर्स ने भी कही, कुछ लोगों ने भी कही, तो इसलिए मैं ये सोच ही रही थी कि इस परिस्थिति में मैं चुनाव में उतरूं कि नहीं। इस बात का बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैंने वो सारी स्थिति कल हमारे प्रभारी के सामने रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम मिलकर दौरा करेंगे, लोगों की जो समस्याएं होंगी काफ़ी हद तक उनका मानना था कि सरकार ने सॉल्व कर दिए, जैसे डिजास्टर आया तब लोगों के बीच गए, जो जो संभव हो सका वो उनकी उन्होंने मदद की है। उसी तरह से चाहे ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात है, चाहे दूध के दाम बढ़ाने की बात है, ये सब काम सरकार ने किए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हम इन चीज़ों को लेकर मैदान में जाएंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे कि ये कारण थे जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी नाराज़गी थी। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग मिलजुल कर मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों की ग्रीवेंसेस भी सुनेंगे और जो डिफिकल्टीज हमारे सामने आई है उसका भी निवारण करेंगे। मैम, फिर आप चुनाव लड़ेंगे मंडी से? देखिए, अभी भी मैंने ये अपना गेंद हाईकमांड के फील्ड में रखा है। अब वो क्या तय करते हैं, क्या इस पर फैसला करते हैं, वो जल्द हमारे को अपना फैसला सुनाएंगे। हमारी एक बैठक अभी 4-5 तारीख को फिर दिल्ली में होनी है जिसमें हम शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी है उनसे मिलेंगे और वो क्या इस पर डिसाइड करते हैं, देन आई विल टेक माई स्टेप फॉरवर्ड।